सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका राशिफल पंचांग में। 12 और 13 मई 2023 दैनिक राशिफल में बात करेंगे मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों के लिए 12 और 13 मई कैसे रहने वाले हैं। राशिफल जानने से पहले जानते हैं इन दो दिनों के दैनिक पंचांग के बारे में। 12 मई शुक्रवार का दिन है और ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी सुबह 9:06 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा दोपहर 1:03 तक। उसके बाद अरिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल योग रहेगा दोपहर 12:18 तक। उसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे और सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, कृतिका नक्षत्र में करेंगे प्रवेश। साथ ही 13 मई शनिवार का दिन है, अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 6:50 तक। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव सुबह 11:35 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म योग सुबह 9:23 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा का संचार होगा कुंभ राशि में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। वैराव काल का समय होगा सुबह 8:55 से लेकर 10:36 तक। राहु काल के समय कोई भी नया व शुभ कार्य न करे, विघ्न आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे। तो मेष राशि वालों, ये दो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इन दो दिनों में मेष राशि वालों चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, साथ ही शुक्र भी तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण फाइनेंस से जुड़े और आईटी से जुड़े क्षेत्र से जुड़े जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बड़ा लाभ आपको हो सकता है। साथ ही शुक्र के प्रभाव से बिजनेस में आपको लाभ होगा और साथ ही जल्द ही जॉब में पद प्रदर्शन परिवर्तन का योग भी बन रहा है। और इसके अलावा अपने कार्य से संबंधित आप यात्रा पर भी जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। मेष राशि वालों, भावनाओं को थोड़ा अपने वश में आपको रखना होगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगा, वाहन सुख का योग बन रहा है। साथ ही धैर्यशीलता बनाकर रखना होगा। इसके अलावा अनावश्यक खर्च पर भी थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। कार्यों के प्रति जोश और उत्साह देखने को मिलेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। भाग्यांक आपके लिए 3 और 5 है। भाग्यशाली रंग पीला और सफ़ेद है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, ये दो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में रुके हुए धन का आगमन हो सकता है। छात्रों के लिए सफलता का योग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होने वाले छात्र सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही अध्यात्म की तरफ वृषभ राशि वालों की रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों, मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार ना लाएं और साथ ही आपका रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकता है। मित्र के सहयोग से कोई अधूरा कार्य आपका पूरा हो सकता है। कारोबार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा संतान सुख में वृद्धि हो सकती है, खर्च में भी वृद्धि हो सकती है, तो बजट बनाकर चलें। और आपको फैमिली प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों, भाग्यांक आपके लिए 5 और 3 है। भाग्यशाली रंग वृषभ राशि वालों के लिए सफ़ेद और नारंगी है। आज के लिए बस इतना ही। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बुध और चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और गुरु और चंद्रमा व्यवसाय में आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही जॉब परिवर्तन से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। नया कोई व्यवसाय या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, वाद विवाद की स्थिति से बचें। और इसके अलावा कारोबार में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और आप अपने कार्य के सिलसिले में मिथुन राशि वालों आप यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। मिथुन राशि वालों, भाग्यांक आपके लिए 3 और 5 है। भाग्यशाली रंग आपके लिए सफ़ेद और नीला है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, ये दोनों दिन आपके लिए बहुत ही
उत्तम रहने वाले हैं। शुक्र आपको नौकरी में अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो इसलिए आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहने वाला है। धन लाभ का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इसके प्रभाव से आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। कर्क राशि वालों, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। मित्र का सहयोग मिलेगा और धैर्यशीलता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके अलावा आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और लंबे समय से पुराना कोई विवाद यदि चल रहा है तो वह विवाद आपका सुलझ सकता है। आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा और नीला है और भाग्यांक आपके लिए 5 और 3 है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, आपके राशि के छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति आपको नौकरी में, व्यापार में नए अवसर प्रदान करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। और धार्मिक यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस समय के लिए टाल दें। इसके अलावा सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, साथ ही कारोबार में विस्तार हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है। आप क्रोध में आने से बचें, वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें। कारोबार की स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा, आमदनी आपका बढ़ सकता है। वाणी में सौम्यता बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सिंह राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी और हरा है। भाग्यांक आपके लिए 1 और 5 है। कन्या राशि बुध और शुक्र नौकरी में आपके रुके हुए कार्य को गति प्रदान करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के प्रभाव से व्यवसाय के लिए समय लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा आपके लिए मंगलकारी रहेगा। पॉलिटिक्स से जुड़े जो लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन लाभ का योग बन रहा है, धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। साथ ही प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव पहले से चल रहा था तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। व्यस्तता वाला समय आपके लिए रह सकता है। इसके अलावा माता पिता का आशीर्वाद, उनका सहयोग आपको मिलेगा। किसी प्रकार का नकारात्मक विचार अपने मन में बिल्कुल भी आने ना दें और नौकरी में अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकते हैं जो आपके परिश्रम को बढ़ा सकता है। कन्या राशि वालों, भाग्यांक आपके लिए 3 और 6 है। भाग्यशाली रंग आपके लिए नीला और हरा है। तुला राशि वालों, शुक्र आपके राशि के नवम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के सप्तम भाव में है, जिसके कारण आपको कार्य में मेहनत करनी पड़ सकती है। परिश्रम वाला समय आपके लिए रह सकता है और साथ ही पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में कलह हो सकता है तो वाद विवाद की स्थिति से आपको दूर भी रहना होगा और शब्दों का सही चयन रखें, अपनी वाणी में मधुरता बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है। तुला राशि वालों, ये दोनों दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ का योग बन रहा है, साथ ही आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे। अति उत्साहित होने से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। साथ ही बौद्धिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। वाहन सुख में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आप सावधान रहें। नौकरी में अफसरों के साथ, सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है तो थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आय के अन्य स्रोत बढ़ेंगे। तुला राशि वालों, भाग्यांक आपके लिए 5 और 3 है। भाग्यशाली रंग सफ़ेद और बैंगनी है। वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि स्वामी मंगलदेव आपके भाग्य भाव में है, जिसके कारण नौकरी में प्रगति आपको देंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके सातवें भाव में है, जिससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही नौकरी के लिए
नए अवसर आपको मिल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दोनों दिन अच्छा रहने वाला है। वाद विवाद की स्थिति से बचें और किसी संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है, परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है, जिसके कारण धैर्यशीलता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। वाणी में मधुरता बनाए रखें, साथ ही भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा और आसमानी है, भाग्यांक आपके लिए 3 और 6 है। धनुराशि वालों, चंद्रमा आपके राशि के द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव जो होता है धन का भाव होता है, धन लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से धनुराशि वालों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है धनुराशि वालों। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव में है, जिसके कारण संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इसके अलावा बिजनेस में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, बिजनेस में कोई नई डील आप फाइनल कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं, कला और संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, कारोबार में विस्तार हो सकता है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि परिश्रम की अधिकता देखने को मिल सकती है, अपने भाइयों के सहयोग से कोई नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। धनराशि वालों के लिए भाग्यांक 2 है और भाग्यशाली रंग आपके लिए सफ़ेद है। और मकर राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के द्वितीय स्थान धन का भाव, वाणी और परिवार का भाव होता है। वाणी का प्रयोग करते समय बहुत ही सावधान रहें, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता का योग बन रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, परिवार में किसी निर्णय को लेकर असमंजस आपको हो सकती है। और इसके अलावा मकर राशि वालों, आपका मन प्रसन्न रहेगा लेकिन धैर्यशीलता में कमी देखने को मिलेगी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। रहन सहन आपका अव्यवस्थित उसके कारण हो सकता है, माता पिता का आपको साथ मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, किसी संपत्ति से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। साथ ही जो लोग शिक्षित कार्यों से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली रंग नीला और सफ़ेद है और आपके लिए भाग्यांक 1 और 6 है। कुंभ राशि वालों, सूर्य आपके राशि के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं और इसके अलावा चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में है। नौकरी को लेकर आपको समय अनुकूल है, जॉब में लाभ होगा, सफलता का योग बन रहा है और व्यवसाय में नए कार्य, नए अवसर आपको मिल सकते हैं, आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। साथ ही गुरु बृहस्पति और चंद्रमा शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, आपके आत्मबल में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कला और संगीत के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें और इसके अलावा धन की प्राप्ति हो सकती है, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और अपने कार्य के सिलसिले में आप यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। इन 2 दिनों में आप ऊर्जावान रहेंगे, रुके हुए कार्य आपकी गति पकड़ेंगे, परिवारजनों का सहयोग आपको मिलेगा, मित्र के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति से दूर रहें, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, बिजनेस में कोई नई डील आप फाइनल कर सकते हैं, जोखिम भरा कार्य करने से बचें तो अच्छा रहेगा, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो सकती हैं। इसके अलावा ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही नया वाहन आप खरीद सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। कुंभ राशि वालों, ये दोनों दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है और भाग्यशाली रंग
कुंभ राशि वालों आपके लिए नीला और आसमानी है और भाग्यांक आपके लिए 6 और 3 है। मीन राशि वालों, चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और एकादश भाव जो होता है लाभ और अभिलाषा पूर्ति का भाव होता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में है। आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। शुक्र और बुध नौकरी में आपको लाभ देंगे, साथ ही आप गृह निर्माण में आप कोई बड़ा कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही व्यस्तता वाला दिन आपके लिए रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल आप कर सकते हैं। भाग्यांक आपके लिए 1 और 3 है। भाग्यशाली रंग आपके लिए पीला और बैंगनी है। आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।